दोस्तों ये है स्मार्ट वाईफाई स्विच और इसका यूज करके आप आपके घर के अप्लायंसेस को आपके मोबाइल से और साथ ही आपके वॉइस से भी कंट्रोल कर सकते हो। वो कैसे, वही दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी देने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि इसकी वायरिंग कैसे करते हैं, इसके कनेक्शन कैसे करते हैं। और ये एक स्मार्ट डिवाइस है, जैसा मैंने पहले भी बताया, तो ये आपके एलेक्सा से या फिर गूगल असिस्टेंट से कनेक्ट होता है और फिर इजीली आप एक ही वॉइस के कमांड से आपके अप्लायंसेस जो भी इससे कनेक्टेड है उसे कंट्रोल कर सकते हो। ये वाला जो प्रोडक्ट मेरे पास है वो स्पेसिफिकली वन गैंग है, यानी इस पर आप सिर्फ एक ही अप्लायंस कनेक्ट कर सकते हो। वो कौन सी अप्लायंस है, कितने एम्पियर का लोड इस पर लगा सकते हैं, वो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट करना ताकि आपको हर वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजिंक्य और आप देख रहे हो ऑटोमेशन विद आशीष। तो गाइस करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि आपको बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो यहाँ बॉक्स खोलते ही हमें मिलता है ये मेन यूनिट, वाईफाई स्विच मॉड्यूल, और साथ ही इसके है एक यूज़र मैनुअल जिसमें स्पेसिफिकेशंस से लेकर इंस्ट्रक्शंस, कैसे इसे पेयर करना है, कौन सी डिवाइसेस आप इस पर कंट्रोल कर सकते हो, वो सारी इंफॉर्मेशन इस पर प्रिंटेड है। इस मेन यूनिट के साथ आपको इसे लगाने के लिए एक अटैचमेंट मिल जाती है जिसे आप स्क्रू की हेल्प से जहां चाहे वहां माउंट कर सकते हो। ये माउंटिंग क्लिप है और एक बार माउंट होने के बाद ये मेन यूनिट आप सिंपली इसमें लगा सकते हो। बात करें अगर मेन यूनिट की तो ये बहुत ही लाइट वेट है और ABS प्लास्टिक की इसकी बॉडी है और काफी छोटा सा ये यूनिट है, ज्यादा बल्कि नहीं है, हेवी नहीं है और साइज में भी काफी छोटा है। तो चलो दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशंस एक बार देख लेते हैं। ये सिंगल गैंग वाईफाई स्विच मॉड्यूल है दोस्तों, यानी इस पर आप सिर्फ एक ही लोड चला सकते हो। वैसे इसमें L1 के दो पॉइंट्स और S1 के दो पॉइंट्स दिए हैं, तो अगर आप चाहो तो पैरेलली दो लाइट लोड्स इस पर लगा सकते हो। इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है दोस्तों 220 वोल्ट से 240 वोल्ट्स AC और ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी है 2.4 GHz। और दोस्तों इसकी जो ऑपरेटिंग रेंज है वो है 200 मीटर तक, डिपेंडिंग ऑन कि आपके और इसके बीच कितने ऑब्स्टेकल हैं। इस पर मैक्सिमम लोड आप 2300 वॉट या 250 वॉट LED का लगा सकते हो। अगर बात करें डायमेंशंस की तो इसके डायमेंशंस कुछ इस प्रकार से हैं। ये प्रोडक्ट दोस्तों IP20 रेटिंग वाला है तो ये वाटरप्रूफ नहीं है, तो कोई भी डैम्प प्लेसेस होंगी, जैसे कोई डैम्प वॉल होगी तो या वेट वॉल होगी, तो उन सारी जगहों पर आपको इसे नहीं लगाना है। मेक श्योर कि जहां पर भी आप इसे लगाओ वो जगह ड्राई हो। इस प्रोडक्ट के साथ दोस्तों आपको एक साल की वारंटी मिल जाती है। सो गाइस अभी हम देखते हैं कि इसे हम मोबाइल के साथ कैसे पेयर कर सकते हैं। वैसे आपको एक टूया स्मार्ट ऐप इंस्टॉल करना होता है आपके मोबाइल में, मेरे मोबाइल में इंस्टॉल किया है। तो चलो देखते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे इसे पेयर करते हैं। मैंने दोस्तों स्विच इसे नहीं लगाया है, अगर आपको स्विच लगाना है तो उसकी वायरिंग बहुत ही सिंपल है। इस वायरिंग डायग्राम का यूज करके आप इसमें सिंपली स्विच अटैच कर सकते हो। वायरिंग करते समय आपको थोड़ा केयर लेना है दोस्तों। मैंने कॉमन न्यूट्रल बनाकर N वाले पॉइंट पर डाल दी है, L वाले पॉइंट पर मैंने इनपुट 230 वोल्ट्स की लाइन दी है और L1 वाले पॉइंट पर मैंने निकाला है एक वायर जो सीधा जाता है हमारे लाइट बल्ब की ओर।
इस प्रोडक्ट को दोस्तों Amazon Alexa या फिर Google Home से कनेक्ट करना बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली आपके Amazon Alexa ऐप को ओपन करना है, उसमें डिवाइसेस में सर्च करना है, टूया नाम का आपको डिवाइस मिल जाएगा और एक बार पेयर होने के बाद, जो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इस डिवाइस को आप आपके वॉइस से कंट्रोल कर सकते हो। आप इसे रीनेम कर सकते हो जो भी नाम आप देना चाहो उससे। जैसे मैंने इस केस में स्विच 1 ऐसा इसे नाम दिया है। वैसे मेरे डिवाइसेस में बहुत सारे ऐसे स्विचेस हैं जिनका नाम स्विच 1 है, तो देखते हैं कि कैसे हम इसे वॉइस से ऑपरेट कर सकते हैं। अलेक्सा टर्न ऑन स्विच 1। अ फ्यू थिंग्स शेयर द नेम स्विच। व्हिच वन डिड यू वांट? Switch 1. Okay. Alexa, turn off switch 1. Okay. सो गाइज, आई होप कि आपको इस प्रोडक्ट के वायरिंग, वर्किंग, कनेक्शन सब समझ गया होगा। आपने देखा कैसे हमने अप्लायंस को कंट्रोल किया है। तो अगर आपको इसे परचेस करना है दोस्तों, तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। मुझे ब्लैक टी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने प्रोडक्ट भेजा है और अगर आपको बल्क क्वांटिटी में चाहिए रीसेल करने के लिए, तो आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका वेबसाइट दिया है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होगा, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट होगा, तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना दोस्तों। इस वीडियो में अगर मैंने कोई पॉइंट गलत बता दिया होगा या मिस कर दिया होगा, तो उसे भी अपडेट कर देना।